नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला। बच्चों, आप लोगों के लिए जैसा कि एसएससी सीजीएल 2022 के लिए 20,000 पदों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी और बहुत अच्छा चांस इस बार आया है, और टीम पूरा चाहती है कि क्या बेस्ट से बेस्ट आप सबके लिए ऐसा कर दिया जाए कि आपको पूरा शुरू से लेके A to Z बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाए। और ये जो आपको मौका मिला है, इस मौके को आप बहुत अच्छे से भुना के इस बार SSC CGL जो छोटी सी मेहनत में एक ग्रेड बी की जॉब, एक बहुत अच्छी बहुत रिप्यूटेटेड जॉब आपके हाथ लग जाए। तो बच्चों, इसी सिलसिले में आज जहाँ की जब आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है, तो मैथ्स की एनालिसिस प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे इस बार पूछे जाएंगे, कितने चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चैप्टर हमें छोड़ देना चाहिए, समय अगर हमारे पास दिसंबर में पेपर होना है तो अक्टूबर नवंबर महीना, दो महीना हमारे पास है, दो महीने में जहां पे हमें रीजनिंग इंग्लिश और जीएस भी पढ़ना है, मैथ क्या हमें 25 में 25 करना अनिवार्य है, इन सारी बातों की आज हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2022 के लिए टीम ने कमर कस लिया है और इस बार हम लोग मैक्सिमम जो बोल सकते हैं मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन जो हर बैच में हम देते आए हैं, जितने बच्चे हमारे एडमिशन लेते हैं उनमें से मैक्सिमम हम सिलेक्ट करवाते हैं, और इस बैच में भी हमने वही प्रॉमिस कर लिया है आपसे और कमर अपनी कस ली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स एक ऐसा विषय है जो एसएससी के लिए हमेशा से ही बहुत ज्यादा बोल सकते हैं एक डरावना विषय रहा है, बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा है, एक कॉन्फिडेंस भी दिया है। दो टाइप के बच्चे होते थे हमेशा, एक मैथ्स बैकग्राउंड के, एक जीएस बैकग्राउंड के। तो एसएससी सीजीएल बीच में ऐसा हो गया था कि जो जीएस बैकग्राउंड वाले बच्चे थे वो एसएससी को छोड़ ही दिए थे, लेकिन अभी अचानक से जब उसने पूरा पैटर्न बदल दिया है, प्री को क्वालिफाइंग कर दिया है, मेंस में जीएस रीजनिंग को भी जब लेके आया है, कंप्यूटर भी आ गया है उसमें, तो कहीं ना कहीं सभी का एक बार सांस में सांस आई है। और ये अन्य बच्चों के लिए तो कंपटीशन बढ़ गया, लेकिन ऐसे बच्चे जो राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए शायद ये स्वर्णिम अवसर एक बार निकल के आया है। तो इस पूरे सेशन में प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस में आपको बताऊंगा, और ये आपको बताऊंगा कि किन चैप्टर से पढ़ के आप केवल 3 या 4 चैप्टर ऐसे हैं जिससे आप केवल प्री क्वालिफाई कर सकते हो। हाँ, यकीनन केवल 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिससे प्री क्वालिफाई कर सकते हो। वैसे तो मैथ्स के सिलेबस में पूरे एसएससी में 20 से ज्यादा चैप्टर हैं, लेकिन आपको केवल 3 से 4 चैप्टर पढ़ने हैं जिससे आपको पूरी की पूरी गणित बहुत अच्छे से हो जाएगी और पूरी घबराहट आपकी खत्म हो जाएगी। मैथ्स मेंस में मैथ्स कैसे आसान हो जाएगा इस पे चर्चा करेंगे, और इस बार क्या पैटर्न हो सकता है, कितने क्वेश्चन, पैटर्न तो आपको पता है 25 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 25 25 25 25, 4 सेक्शन है, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीएस। उस 25 मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आपको यह पता है कि 25 ही क्वेश्चन होंगे, किंतु किस चैप्टर से कौन से प्रश्न होंगे इसकी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। और इसके लिए हमारे पास किताबें क्या होनी चाहिए, कोचिंग क्या होनी चाहिए, हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए या फिर हमें और किसी संस्था से जुड़ना चाहिए, और टेस्ट सीरीज क्या होना चाहिए, सभी हम लोग जिक्र करेंगे। तो आते हैं बच्चों की ये प्रीवियस ईयर की जो एनालिसिस है आप लोगों के लिए मैं निकाल लेके आया हूं, उम्मीद है ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। एक बार मुझे कंफर्म कर दिया जाए कि ये बोर्ड पे सही से दिख रहा है या नहीं। हाँ, चलिए, तो ये उम्मीद है अच्छे से आपको दिख रहा होगा। अभी इसको देखें क्लियरली, तो ये मैं 2021, 2020, 2019, 2018 ये पिछले चार सालों का जो क्वेश्चन पैटर्न रहा है वो आपके सामने लेके आया हूं। 2021 का पेपर आपका अप्रैल 2022 में हुआ, ऐसे 2020 का पेपर जो हुआ अगस्त 2021 में हुआ, ऐसे 2019 का जो पेपर है मार्च 2020 में हुआ। तो ये जो 2022 में पेपर हुआ था, मतलब कि परीक्षा जो थी वो 2021 की थी, अब आपका 2022 की परीक्षा आया है जो 2023 में जाके आपका होगा, 2022-23 में होगा, ठीक है। तो 2021 वाले पेपर में देखा जाए तो हम सबसे पहले उन पैटर्न की बात करते हैं, उन क्वेश्चंस, उन सेक्शन की बात करते हैं जिन्हें पढ़ के आप मैक्सिमम वेटेज गेन कर लोगे। अब देखो, अगर इनमें ये मैंने सेंटर में रखा है सबसे ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो आप ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन देखो, एक ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन देखो, एक एवरेज का एल्जेब्रा का पोर्शन देखो, और एक आप DI का पोर्शन देखो। मैं इन्हीं 3 चैप्टर की बात कर रहा हूं, और एक आपका एक्स्ट्रा जो DI है, अगर इनको सारे वर्षों में जोड़ लिया जाए तो 4-3-7-2-9, 4-3-7-3-10, 4-3-7-3-10, 4-4-8-2-10, मतलब 9 से 10 ऑन एवरेज, 9 से 10 बच्चों ये सारे ही पेपर
ये सारे ही पेपर एसएससी कम से कम 7 से 8 दिन कंटिन्यू करवाती है और एक दिन में 3 शिफ्ट होते हैं, मतलब प्रत्येक वर्ष 22 से 25 हो, कभी कभी 27 शिफ्ट में पेपर होते हैं। तो उन 2700 पेपर का जो जितने प्रश्न पूछे गए उनका एक एवरेज निकाला गया है, लगभग पैटर्न सारे पेपर में सिमिलर है, केवल क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए हैं। तो वो आपका ये बहुत अच्छी एनालिसिस है, एक बोल सकते हो कि एवरेज क्वेश्चन है। तो 9-10 क्वेश्चन आपके यहां पे हो रहे हैं और ऑन एवरेज 4 क्वेश्चन आपका डीआई हो रहा है, मतलब अगर आप 10+4 यानी कि आप देख सकते हो कि 14 क्वेश्चन ऑन एवरेज, 13 से 15 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन एवरेज लेके चलो, तो केवल आपके इन चैप्टर से कवर हो रहे हैं। और एक बात आप और समझना, जब आप एसएससी की तैयारी करने जा रहे हो तो यहां पर मैथ्स अन्य एग्जाम के मैथ्स से थोड़ा सा अंतर है, जहां पे आपको अरिथमेटिक पोर्शन अन्य एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में अरिथमेटिक पोर्शन आपका स्ट्रांग होता है, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी पिछले 3-4 साल से अरिथमेटिक जो पोर्शन है उसे क्या बना रहा है, उसे टफ बना रहा है, इस बात का आप लोग ध्यान देना, ठीक है ना, क्या है वो टफ बना रहा है अरिथमेटिक वाला पोर्शन। तो अभी इसको आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, ये क्वेश्चन इनके क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ लेवल के जा रहे हैं, ठीक है, मॉडरेट टू टफ लेवल के जा रहे हैं। और जो एडवांस पोर्शन है जिससे आपको डर लगता है वो पोर्शन आसान पूछे जा रहे हैं। एडवांस पोर्शन में जो टॉपिक आते हैं वो मैं आपको बता दूं, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया मैं ट्राइगो से लिख रहा हूं, जैसे आपका ज्योमेट्री हो गया मैं जीओ से लिख रहा हूं, जैसे ज्योमेट्री में ही मेंसुरेशन इंक्लूडेड है ये मान के चलना, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, एलजेब्रा हो गया और नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट एडवांस में जाते हैं, जैसे आपका क्या हो गया यूनिट डिजिट हो गया, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, एपीजीपी के क्वेश्चन हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब एडवांस नंबर सिस्टम में आते हैं। तो एडवांस की बात किया जाए तो एडवांस में जो ट्रिग्नोमेट्री है ये इजी लेवल की पूछी जा रही है, ऐसे ही ज्योमेट्री भी इजी लेवल की पूछी जा रही है, ऐसे ही एलजेब्रा भी बेसिक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पे इजी लेवल के पूछे जा रहे हैं। कुछ शिफ्ट में केवल ऐसा देखने को मिलता है ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट में चले जाते हैं। तो आप जहां पे सबसे ज्यादा घबराते हो हकीकत में उल्टा है, वो सेक्शन आपका आसान है और जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हो वो क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग है, समय ले जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती आई है वो क्या होती है, 1 घंटे की होती आई थी, ठीक है, एसएससी की। अभी देखा जाए तो ये उस 1 घंटे में करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समस्या हो जाती थी, 25-25-25-25 100 क्वेश्चन कब बीत जाता था समझ में नहीं आता था। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें टाइम ड्यूरेशन भी देखना है कि किस टाइम ड्यूरेशन में हमें कौन सा करना है। ऐसे में जो एरिथमेटिक पोर्शन होता था वो मैथ में क्या करता था, मैथ में वो टीडीएस बना देता था, मैथ को क्या करता था वो बहुत ज्यादा समय लेके चला जाता था और बच्चे ऑन एवरेज जो गुड अटेम्प्ट बोला जाता था, मैं आपको बता दूं कि मैथ में गुड अटेम्प्ट जो होता था कभी भी किसी साल का भी एनालिसिस आप देख लो वो क्या रह जाता था, 17 से 18 गुड अटेम्प्ट बोला जाता था। बच्चे स्कोर कहां पे करते थे, बच्चे स्कोर करते थे रीजनिंग में, कितने प्रश्न उनके जाते थे 23 से 24 ऑन एवरेज उनका जाता था, इंग्लिश में करते थे इंग्लिश में 21 से 22 उनका जाता था, ऐसे ही जो जीएस होता था इसमें भी कम होता था, 13 से 15 ही क्वेश्चन हो पाता था और मैथ्स मैंने आपको बता दिया 17 से 18। तो इसे देखो तो 30 क्वेश्चन यहां से कवर करते थे और 45 क्वेश्चन यहां पे कवर करते थे, तो ऐसे 75 क्वेश्चन पहुंच जाते थे और 150 नंबर उनका आ जाता था। शिफ्ट वाइज भी क्या होता था, किसी टफ शिफ्ट में या ऐसे शिफ्ट में जो बाद की शिफ्ट हुई है उनमें पढ़ने की वजह से नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर बढ़ के क्या हो जाते थे, 150 था वो बढ़ के 175 180 185 तक पहुंच जाता था, ये एक एवरेज हमेशा रहा। इस बार एसएससी की प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है तो अब इसको आपको इतना ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है। हर बार जो कट ऑफ होता है वो 125 नंबर से लेके 140 नंबर के बीच में हर साल में वैरी करता रहता है, लगभग किसी साल 132 किसी साल 138 किसी साल आपका 127 ऐसे ही रहा है कट ऑफ। तो जो कट ऑफ है वो आपका 125 से लेके 140 क्वेश्चन नंबर के बीच में रहेगा, 200 नंबर का पेपर होता है, यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप 150 नंबर मैक्सिमम बोल रहा हूं, अगर 150 नंबर आपके आ जा रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स एकदम 100% क्वालिफाई है, फिर आप मेंस लिखोगे। तो वो किस पे निकलना है, बाकी स्ट्रेटजी मैं आपको तो बताया ही हूं, ये जो आपकी इसमें केवल मैं मैथ्स लेके आया हूं, मैथ्स में आपको जब जान रहे हो कि आप कितना भी कोई कितना भी प्रयास कर लेगा
बहुत अच्छा बच्चा होगा जिसकी मैथ जो 4 साल से लगातार एसएससी की तैयारी कर रहा होता है बच्चों, जो लगातार 3-3, 2-2 मेंस दे रहा होता है, उसके भी मैथ में प्रीलिम्स में 23-24 अटेम्प्ट ही रह जाते हैं, 25 में 25 शायद ही बच्चों कर पाता है वो, या बहुत ही टॉपर होता है वही होता है। तो यहाँ पे भी टॉपर बनने की जरूरत नहीं है, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, समय हमारे पास कम है, मैं वो रणनीति बता रहा हूँ जहां पे समग्र सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। बाकी यदि आप टॉपर हो, यदि आप 25 में 25 ला सकते हो तो इट्स गुड, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक जनरल वे में आपको बता रहा हूं कि आपको क्या कवर करना है। तो अब आपकी पढ़ाई कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, और जो क्लासेस हम स्टार्ट भी करेंगे बच्चों, वो सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं आपको एलजेब्रा पढ़ाऊंगा, और एलजेब्रा के बाद मैं आपका ज्योमेट्री पोर्शन पढ़ाऊंगा। इन वाले पार्ट को मैं पहले कवर करूंगा ताकि एक महीने में हमारे 25 क्वेश्चन यहां पे 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर हो जाए आउट ऑफ 25 में। तो ये 3 पोर्शन आप ऐसे करते चलो, और जो डीआई है इसके लिए कोई आपको बच्चों पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपकी प्रैक्टिस मांगती है, और इसमें केवल 2 चैप्टर आपके अच्छे हों, परसेंटेज और रेशियो और एवरेज, 3 चैप्टर, और वो भी चैप्टर में बहुत कॉन्सेप्ट जाने की जरूरत नहीं है, 3 फॉर्मूला मतलब कहने का मतलब वो भी नहीं पढ़ोगे तो आप केवल डीआई के चैप्टर पढ़ोगे तो उनमें से आपका ये कवर हो जाएगा। केवल आप रोजाना एक चार्ट लगा लो, एक डीआई लगा लो, आपके पास दिसंबर में आपका पेपर होना है, पूरा अक्टूबर बचा है, पूरा नवंबर बचा है, दिसंबर में समय बचेगा, मतलब 70-75 दिन है, 70-75 में आप 2 डीआई लगाओ, 4 डीआई आती है, कई बार टेबल पूछ लेते हैं, कई बार पाई चार्ट, कई बार बार चार्ट, कई बार लाइन चार्ट, आप एक चार्ट उठा लो, एक टेबल उठा लो, फिर किसी दिन 2 चार्ट उठा लो, ऐसे करके अगर 75 दिन में आप 2 करोगे तो 150 आप टेबल कर लोगे, 150 आप डीआई कर लोगे, 150 डीआई मतलब 1575-1575 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर एक भी क्वेश्चन आपका इससे गलत नहीं होगा। तो ये आप इसके लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और 2 डीआई आपके मुश्किल से 20 मिनट में आप सॉल्व हो जाएंगे, आधे घंटे में सॉल्व हो जाएंगे, आधा घंटा आपको डीआई के लिए समय निकालना है, और आपको प्रीलिम्स में ये मेंस में भी आपको फायदा मिलेगा। बच्चा ये पोर्शन नहीं पढ़ता, बच्चा बाकी पढ़ने में लगा रहता है, और यहां पे उसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जबकि ये आपको इनहेंस करना है, क्योंकि यहां पे एक इंफॉर्मेशन से आपके 4 नॉलेज, आपके 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ये आप समझना। हालांकि यहां पे 4 होते हैं, 4 एक अलग अलग भी पूछ सकता है, एक ही डीआई में 4 कॉमन पूछ सकता है, ऐसे हो सकता है। बाकी इसमें आपको एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री पढ़ाना है। अब इसके बाद बसता है अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक जैसे मैंने कहा बोला, आप देखो इसमें यहां से अरिथमेटिक मैंने स्टार्ट किया है, परसेंटेज का 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का 1 क्वेश्चन, डिस्काउंट का 1 क्वेश्चन, एसआई एंड सीआई का 1 क्वेश्चन ऑन एवरेज, रेशियो का 1 क्वेश्चन, पार्टनरशिप का किसी वर्ष में 1-2 पेपर में आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट मैं ऑन एवरेज इसे ब्लैंक ही रखा हूं, तो 0 से 1, जनरली 0 से 1 ही है ये, ठीक है, बहुत कम ही पूछता है, रियली पूछ लिया तो पूछ लिया। टाइम स्पीड डिस्टेंस का 1, टाइम एंड वर्क का 1, या कई बार 1-2 पेपर में 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया है। मतलब अगर आप अरिथमेटिक का देखोगे तो ऑन एवरेज जितने चैप्टर हैं सबसे 1-1 क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 से 8 क्वेश्चन आपका क्या होता है अरिथमेटिक के लिए। लेकिन ये 7 से 8 क्वेश्चन आपको कवर करने के लिए बच्चों आपको कितनी क्लासेस करनी पड़ेगी, कम से कम 8 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर, और ये 8 चैप्टर एसएससी के तर्ज पे कम से कम 6-6 क्लास के होंगे, मतलब 50 क्लास में आपके 7 नंबर, ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए, या फिर आप ऐसे समझ जाओ कि डीआई मुश्किल से 2 क्लास पढ़ लो उसमें 4 नंबर, और अगर हम एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री की बात करें 25 से 30 क्लास में आपके 15 नंबर, तो क्या बेहतर है ये आपको समझना है। अब जब आप पहले इसे स्ट्रांग कर लेते हो, उसके बाद आपका क्या बचता है अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक में भी बच्चों अरिथमेटिक बाद में करो, पहले 2 क्वेश्चन आप यहां से गेन कर सकते हो। नंबर सिस्टम में केवल आप नंबर सिस्टम में क्वेश्चन किससे पूछता है, डिविजिबिलिटी से, और निश्चित रूप से फिर से डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें एडवांस नंबर सिस्टम प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, और एलसीएम एससीएफ फिक्स है, एक सिंप्लीफिकेशन फिक्स है, बहुत जनरल सा एकदम आप टॉपिक कर लोगे तो 3 क्वेश्चन ये सब मिला के एलसीएम एससीएफ ये लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपका यहां पे कवर हो जाएगा, 10 यहां पे कवर होगा, 4 यहां पे कवर हो जाएगा, मतलब आप इन पे अगर आप मजबूती कर लेते हो तो आप खुद अपनी रणनीति देखो कि 17 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 आप करने में क्या हो गए हो, यहां पे एवल हो गए हो। और एक चीज और समझना, अगर इन चैप्टर को पढ़ लेते हो तो इनकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है, जैसे डीआई की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है,
एलसीएम एससीएफ की एक्यूरेसी अच्छी होती है, सिंप्लीफिकेशन की एक्यूरेसी अच्छी होती है। थोड़ा बहुत कुछ बच्चों को सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत आती है, लेकिन डिविजिबिलिटी में आप उस एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हो। तो इसमें लगभग 90% जाता है, और इस हिसाब से देखा जाए तो 25 में अगर 17 आप अटेम्प्ट करते हो तो 13-14 फिर भी सही हो जाएंगे। बाकी आपके अरिथमेटिक है जो बेसिक बेसिक चैप्टर है उनसे 3-4 क्वेश्चन कर लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुड अटेम्प्ट हो जाएगा। मैथ्स में ऑन एवरेज अगर आप 17 करते हो, रीजनिंग में आप 22-23 क्वेश्चन करते हो, इंग्लिश में 18-20 करते हो, और आप जीएस इस बार क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ना है और जीएस में करंट स्टैटिक और जैसा क्लास में सर को द्वारा बताया जाएगा उतना आप कवर कर लेते हो, तो 15-20 के बीच में हम लोग कवर कर लेंगे। बहुत अच्छा, फिर भी मैं मिनिमम लेके चलूं तो 15, 15, 30, 32, 32 और 8, 40, 10, 50, 50, 20, 50 और 22, 72 क्वेश्चन बच्चों मिनिमम, और अगर मैक्सिमम जोड़ लो तो ऐसे 75 से 78 क्वेश्चन आप केवल इस स्ट्रेटजी से, और इतने में आप 150 नंबर आपके आ जाएंगे और आप प्रीलिम्स बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे। मैं ये आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, और यही रणनीति आपको शुरू से लेके चलनी है। इतना कर लोगे तो मैथ्स आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी बच्चों, और यही करना है। बाकी अरिथमेटिक, ऐसा नहीं कि अरिथमेटिक हम लोग छोड़ देंगे, अरिथमेटिक भी पढ़ेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन चैप्टर्स को एकदम नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन हमें आने चाहिए। अच्छा होता क्या है, जैसे क्या है, मान लीजिए परसेंटेज का चैप्टर ले लिए, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर ले लिए, तो ऐसा नहीं कि एक ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लग जाएगा। उसमें क्या होता है कि उसमें करीबन 25 से 30 कॉन्सेप्ट हैं, और आप भाई जब 27 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो किस्मत पता नहीं क्या आपके साथ खेल खेलना चाह रही हो, जिस शिफ्ट में आपका पढ़े उसमें टफ वाला पड़ जाए, या जो टॉपिक आप छोड़े हो वो आपसे हो जाए। तो इस कारण से हमें बच्चों टॉपिक तो सारे कवर करने होंगे। एक ही शिफ्ट में पेपर होता तब तो ये प्रोबेबिलिटी होती कि मेन मेन पढ़ लो, काम बन गया, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड ही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन जब शिफ्ट ज्यादा होता है तो एकदम जीरो से जीरो, एकदम कूड़े प्रश्न से लेके और बहुत हाई लेवल के प्रश्न तक भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अभी आपके किस्मत पे डिपेंड करती है कि कौन सा टफ वाला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है या आपके सामने आसान वाला प्रश्न आ रहा है। लेकिन उसके लिए नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। फिर भी नॉर्मलाइजेशन कई बार अच्छे बच्चों का घाटा और जो कमजोर होते हैं उनका फायदा करवा देता है, तो उसके भरोसे हमें अभी नहीं जाना है, वो अपने लक पे ही डिपेंड करना है। लेकिन हमें क्या है, पूरे अरिथमेटिक में सारे ही टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अरिथमेटिक में मेहनत ज्यादा है, प्रश्न आपका आउटपुट कम है, और एडवांस मतलब जो आपका एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन से तो केवल एक क्वेश्चन पूछता है, ज्योमेट्री में इनकी जो, और इसमें भी मैं आपको बता दूं जैसे ज्योमेट्री में भी सब नहीं पढ़ना है, ज्योमेट्री में भी अगर आप इसका एनालिसिस अच्छे से देखोगे तो लगभग हर वर्ष दो क्वेश्चन सर्कल पे और दो क्वेश्चन आपका ट्रायंगल पे, केवल प्रीलिम्स में तो केवल यही दो आपका इंपॉर्टेंट है। वो सिलेबस में तो आपको सब दे दिया है, लेकिन सर्कल और ट्रायंगल ही आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में। ऐसे ही मेंसुरेशन में सर्कल और ट्रायंगल तब नहीं पूछेगा, तब वो 3D या 2D फिगर से, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल और आपका कोन वगैरह से क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी आसान है। ट्रिग्नोमेट्री में भी फिक्स पैटर्न है। कैसे फिक्स पैटर्न है कि एक क्वेश्चन वो आइडेंटिटी से पूछेगा, एक क्वेश्चन वो हाइट एंड डिस्टेंस से पूछ सकता है, एक क्वेश्चन बेसिक आइडेंटिटी से पूछ सकता है, तो ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछता है, वो भी फिक्स पैटर्न है। एलजेब्रा में भी एक आपका क्या पूछेगा, एलजेब्रिक आइडेंटिटी पे पूछेगा, एक बेसिक एलजेब्रा पे पूछेगा, तो फिक्स पैटर्न है ये। जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे पढ़ते जाएंगे हर चैप्टर में, मैं आपको एक एक चीज बताता जाऊंगा किस चैप्टर में बच्चों आपको कितने डेप्थ तक पढ़ना है। बाकी अरिथमेटिक पोर्शन में आपको पढ़ना सब है, अभी आप पे किस्मत पे डिपेंड करते कौन सा, और छोटे कॉन्सेप्ट से लेके बड़े कॉन्सेप्ट तक सारे हम लोग को कवर करने हैं। तो ये एक मैथ्स का जो एनालिसिस है वो मैं आपको बता दिया हूं, इस हिसाब से हमारी तैयारी स्टार्ट होगी और ऐसे ही हम लोग आगे पढ़ते हुए जाएंगे। आप लोग पूछते हो सर बुक्स कौन सी लें, कोचिंग कौन सी ज्वाइन करें, तो बच्चों बुक के लिए तो मैं बता दूं कोई भी स्पेशल बुक लेने की जरूरत नहीं है। जितना आपको टीम के द्वारा कंटेंट दिया जा रहा है, प्रैक्टिस कराया जा रहा है, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अतिरिक्त आपको क्या लेना है, केवल जो हर एसएससी का बच्चा लेता है वही आपको लेना है, एसएससी की प्रीवियस ईयर, एसएससी की प्रीवियस ईयर, और अगर ये चैप्टर वाइज मिल जाए तो और अच्छा है। ये चैप्टर वाइज आप ले लीजिए, चैप्टर वाइज जैसे एस किरण निकालते हैं है ना, इनकी जो पब्लिकेशन है इनसे आप चैप्टर वाइज ले लीजिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बुक के नाम पे केवल आपके पास प्रीवियस ईयर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई भी अगर आप किताब उठाते हो तो आप केवल और केवल अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। वो जमाना खत्म हो गया बच्चों के एडवांस मैथ्स आती थी, वो जमाना खत्म हो गया कि 100 क्वेश्चन मैथ आता था, मेंस में भी आपके 30 ही क्वेश्चन मैथ्स में आएंगे तो क्या ही पूछ लेगा। और जब 30 ही क्वेश्चन मैथ में आएंगे उसमें तो शिफ्ट भी कम होगा, मुश्किल से 4 शिफ्ट में पेपर होगा या 6 शिफ्ट में पेपर होगा। इस बार फॉर्म ज्यादा पड़ेंगे तो हो सकता है 6 से 8 शिफ्ट हो जाए, या हो सकता है 3 दिन में 3-3
शिफ्ट में पेपर हो जाए तो 9 से 10 शिफ्ट मैक्सिमम हो सकता है। तो अब क्या होगा कि वो केवल क्रक्स उठाएगा, केवल क्रीम क्वेश्चन उठाएगा, तो एरे गहरे नथुक हैरे वाले क्वेश्चन नहीं उठाएगा। तो इस कारण से वहां पे तो ऑल सॉलिड हो गया। तो मैथ्स में अब अननेसेसरी फालतू लोगों की किताब लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर लगाओ, क्लास देखो और जो प्रैक्टिस आपको कराया जा रहा है वो कर लो। तो बुक्स के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। सेल्फ स्टडी करें या फिर हम कोचिंग ज्वाइन करें, तो इसके लिए मैं आपको बच्चों बता दूं कि देखो हर एग्जाम में दोनों ही जरूरी होता है। आपको ज्यादा सेल्फ स्टडी कराना है, कोई भी कोचिंग सिलेक्शन नहीं कराती है, सिलेक्शन आपको अपने बलबूते पे लेना है। और आप चाहे परीक्षा प्लस से जुड़ो या किसी संस्थान से जुड़ो, एक बात आप ध्यान देना कि उस संस्थान से जुड़ना जहां पे आप टीचर से डायरेक्ट टच में रहो, जहां पे आप एक फोन भी करो तो आपका फोन एक टीचर उठाए, आप मार्गदर्शन अच्छे से ले पाओ। क्योंकि कोचिंग का मतलब एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना और मार्गदर्शन भर का होता है, मेहनत आपको खुद करनी होती है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा, इतना समझिएगा। तो ऐसे टीम से जुड़ना है जहां पे आप इजिली उनसे टीचर से और बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजिक मार्गदर्शन के साथ आप वहां पे जुड़ पाए, ऐसे संस्थान से आप जुड़िएगा। तो ये आपके लिए जो पूरा एक जो आपके मन में डाउट आता है तैयारी प्रारंभ करने से पहले, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। एसएससी सीजीएल 2022 के लिए जब हमने कमर कस ली है तो आपका सिलेक्शन भी हम करवा के रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि यदि आपके पास कोई अभी भी प्रश्न रह जाता है मन में, जो बच्चों मुझसे छूट गया हो, वो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन रख सकते हो, उसका उत्तर मैं दे दूंगा या अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।